इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के चार राजनीतिक दलों भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस के साथ ही मुख्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि राज्य में जाति आधारित रैलियों पर हमेशा के लिए पूरी तरह से क्यों नहीं रोक लगा दिया जाना चाहिए। उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि 9 साल पहले पारित किए गए अपने अंतरिम आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाई कोर्ट ने नए नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि इस याचिका को पेश करने वाले ने कहा था कि राजनीतिक दलों की ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियों के कारण कम संख्या वाली जातियां अपने ही देश में दोयम दर्जे की नागरिक बन गई हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 दिसंबर तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया, डीटी।